एक समय की बात थी, बहुत काली रात थी। वह चार आदमी एक गांव से गुजर रहे थे, तो वह चलते चलते उसमें से एक आदमी को बहुत तेज प्यास लगती और कहता है, भाई भाई मुझे प्यास लग रही है, क्या तुम तीनों यहीं पर रुककर मेरा इंतजार करोगे? जब तक मैं पानी पी के आता हूँ तुम मेरा इंतजार करना, भाई मैं भी आता हूँ। नहीं नहीं भाई, हम तो जा रहे हैं, तू पानी पी क्या, जब तक हम आगे चलते हैं और तू फिर आ जाइयो भाग भाग कर और हमको मिल जाइयो, हम वहीं पर खड़े हो जाएंगे, तू हमें मिल जाइयो, जल्दी से जा पानी पी के आ। तो वो वहां से चले जाते हैं और चलते चलते वो भी लड़का वहां से चला जाता है। वह पानी पीने के लिए नल के पास जाता है, तो रास्ते में चलते चलते उसके सामने कोई एक हरा कलर का भूत आ जाता है और कहता है, आज तो बहुत ही भयानक रात है, मैं 75 साल के बाद आजाद हुआ हूँ, बस मुझे एक मेरे शरीर की और तलाश है, तू मेरी सहायता कर। वह लड़का बहुत ही डरने लगता है उसे देख के और थर थर कांपने लगता है और भूत कहता है, तू डर मत, मैं तुझे नहीं मारूंगा, बस तू मेरा एक काम कर, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं मारूंगा, तू बस मेरा काम कर दियो, है ना? क्या काम करना है भाई, तुम मुझे डरा क्यों रहे हो, तुम्हारा क्या काम है, मैं कर दूंगा, बस मुझे जिंदा छोड़ देना। इतना ही कहते राम वहां से धीरे धीरे भागने लगता है और वह भूत उसके सामने आ जाता है और कहता है, कहां जा रहा है, ऐसे भागेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा और तेरे आग डालकर तुझे भस्म कर दूंगा। बताओ भाई क्या बात है, मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगा, कहां पर क्या करना है? तुझे कवर के पास चलना है, चलो भाई चलो। तो इतना ही कहते ही वो दोनों वहां से अपनी कवर के पास चले जाते हैं और वह भूत की कवर, भूत कहता है कि, सोना तू मेरी कवर खोद दे, मैं नहीं खोद सकता अपनी कवर, क्योंकि मैं 75 साल के बाद आजाद हुआ हूँ, इसीलिए तू मेरी कवर खोद दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। नहीं भाई, मैं नहीं खोल सकता इस कवर को, इसमें मेरा कोई भी भला नहीं है, तुम बेशक मुझे मार ही डालो, मुझे पता है कि तुम सारे गांव को बहुत संकट पहुंचाओगे और पूरी दुनिया को मारने की सोचोगे, मुझे पता है कि तुम लोगों की शक्ति, जब तुम जिंदा हो जाते हो तो तुम बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हो, और वह भूत भयंकर रूप में आकर उसको अपनी शक्ति से जला देता है। तुम मेरे बेटे को कहाँ छोड़ आए बताओ, तुम तीनों उसे छोड़ के क्यों आ गए, तुम उसको पानी पिलाने तुम तीनों एक साथ ही चले जाते तो क्या हो जाता, तुमने मेरे बेटे को मार दिया, मेरा बेटा। माँ जी हमने नहीं मारा आपके बेटे को, पता नहीं कहाँ गया वो, तो कहाँ है मेरा बेटा बताओ मुझे, मेरा बेटा मेरा बेटा मर गया। यार भाई यार, ये रामू और मर गया, ये यार हम काश इसके साथ ही चलते तो ऐसा हादसा नहीं होता और हमारा दोस्त हमारे पास से कहीं भी नहीं जाता भाई, तो भाई अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो वो चला गया इस दुनिया से, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमने बहुत गलत करा, हम उसको छोड़ के आ गई, काश हम भी उसके साथ ही चलते और उसको पानी पिला के आ जाते, हम उसे बहुत गलत छोड़ के आए। भाई मुझे तो लग रहा है कि उस भूत का ही इसमें क्रिया धरा है, वो 75 साल का हो चुका है और जिंदा हो चुका है, तो भाई एक बार ना उस भूत ने मेरे दादाजी पे भी अटैक किया था, तो मेरे दादाजी एक साधु पर गए थे तो उनने उसको 75 साल बाद बंद कर दिया, तो वहीं चलते हैं। तो इतना ही कहकर वो साधु जी के पास चलने लगते हैं और वह चलते चलते साधु जी के पास पहुँच जाते हैं। भाई साधु जी क्या तुम्हें पता है, वो भूत 75 साल के बाद आजाद हो चुका है और वह उसने मेरे दोस्त को मार दिया है, क्या आपको ये सब कुछ पता है तांत्रिक जी? हाँ मुझे सब कुछ पता है, उसकी शक्तियाँ बहुत ही शक्तिशाली हो गई हैं और वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है, वह वो ऐसा नहीं कर पाएगा जब तक मैं हूँ इस दुनिया में,
जब तक वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। मुझे सब पता है उसके बारे में। तुम्हारा दोस्त रामू जब पानी पीने जा रहा था तभी उसने उसको पकड़ कर और अपनी कवर खोलने का कहा। तभी उसने उसकी कवर नहीं खोदी, कहा उसने कि मुझे सब कुछ पता है भाई, तुम मार दोगे पूरी दुनिया को, तो इसीलिए उसने उसको भस्म कर दिया। तो भाई मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मैं पीछे आके उसको मार दूंगा, तुम तीनों जाकर उसको मारने की कोशिश करो। और तुम्हें बताऊं क्या करना है, तुम ऐसा करना कि जब तुम तीनों जाओगे ना रामू की उसको देख के, तो वहीं पर उसका कंकाल है, मैं देख भी आया हूँ। तो भाई जब तुम उसको देखने जाओगे तो बताऊं क्या होगा, वहां पर उसका कंकाल पड़ा होगा, तो तुम वहीं पर जाके खड़े हो जाना, तभी वो भूत आएगा वहां पर जरूर, इतना मुझे पता है, और तुमसे अपनी कब्र खुदवाने के लिए कहेगा। तुम उसको देखकर मेरी ओर आना, मैं तभी पीछे से आकर उसका खून कर दूंगा और उसे मुक्ति मिल जाएगी। तुम तीनों को बस इतना ही करना है, तुम अगर ऐसा कर दोगे तो वो भूत किसी भी गांव वाले पे दोबारा हमला नहीं करेगा और पूरा गांव सुरक्षित रहेगा। वह अभी तक तो एक ही लाश हुई है, पर मुझे इतना पता है अगर उसको नहीं रोका गया तो वो एक के बाद एक लाश जरूर मारेगा और पूरे गांव को शमशान में बदल देगा, तो जल्दी करो। तो हम गुरुजी जरूर करेंगे, तो चलो हम तीनों जाते हैं, पर गुरुजी अपना आशीर्वाद हमें, आप हमारे साथ रहे आपका, तो गुरुजी हम चलते हैं चलो। तो इतना ही कहकर वो तीनों दोस्त वहां से चल देते हैं और वह पहुंच जाते हैं। तो वह चलते चलते देखते हैं कि रामू की जो कंकाल है वो वहीं पर पड़ा है, और वह कहते हैं भाई रामू ये क्या हो गया, तुझे ऐसा किसने बना दिया भाई, तू इतना अच्छा था, इतना गोरा चिट्टा था, मेरे भाई को कंकाल बदल दिया। इतने में ही वहाँ पर राक्षस आ जाता है और उनका एक दोस्त भाग जाता है देखते कह नहीं। तो भाई एक दोस्त कहता है हे भूत, तूने मेरे दोस्त को ऐसा बना दिया, तू तो आज मरेगा। तुम दोनों एक काम करो, मेरी कवर खोद दो, नहीं तो मैं तुम्हें भी इस जैसा ही बना दूंगा। तू हमें नहीं मारेगा, हम तुझे मारेंगे। इतना ही कहते वो साधु जी की तरफ दौड़ने लगते हैं, और वह दौड़ते दौड़ते भूत भी उनके पीछे लग जाता है और भूत उनके सामने खड़ा हो जाता है। तभी पीछे से तांत्रिक आ जाता है और भूत उससे कहता है अब तुम कहाँ जाओगे। इतने में ही तांत्रिक उसके चक्कू पे चक्कू तलवार पे तलवार मार देता है उसको, तो वहीं पर मुक्ति मिल जाती है और वह स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो अगर आपको हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।